मुबारक बहुत बहुत फोकस की लाइफ की ओर से मेरा एक सवाल था। एक शहर में एक बड़ी घटना हो गई है और मेरे हिसाब से पहली घटना है किसी महिला के साथ जो किसी मौलाना की वाइफ थे उनके साथ जो मामला हुआ है सड़क चलते, तो उस पर आप क्या कहेंगे और किस तरह से देख रहे हैं आप इसको? देखिए भाई, जो जिस तरीके की ये घटना हुई थी 3-4 दिन पहले, इमाम साहब जो हमारे एक मस्जिद के इमाम थे उनकी बीवी के साथ बाजार में हुआ था गुलाब पार्क में, तो ये एकदम गलत हरकत है। इसके ऊपर चाहे कोई भी, क्योंकि आज तक के मुमरा के अंदर ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ था जिसमें मियां बीवी बाज़ार में जा रहे और कोई मनचला जाके बाइक से रुका के नंबर देवे या उसको छेड़े, तो ये इस तरीके का ये पहली घटना थी मुमरा के अंदर। लेकिन ये पहली और इंशाल्लाह आखिरी घटना रहेगी, क्योंकि पुलिस प्रशासन ने भी इसके ऊपर कड़क रवैया इस्तेमाल किया है और हमने खुद FIR की मांग की थी उससे, तो ये FIR भी हुई है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो इस तरीके से ये मुमरा चौकी ने FIR ली है और उनको बहुत जल्द, मतलब एक शायद अरेस्ट भी हो गया, दूसरे को ढूंढ रहे, लेकिन वह बहुत जल्दी अरेस्ट हो जाएगा इंशाल्लाह, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसा बताया जा रहा है कि उस मामले में कोई शहर के कोई दिग्गज नेता आया था बचाव के लिए, उनके बचाव के लिए, तो कौन है वो नेता जिसका नाम नहीं लिया जा रहा है? देखिए, मैं भी ये सुन रहा था कि कोई पॉलिटिकल प्रेशर था उस पुलिस स्टेशन के अंदर, लेकिन जब हम लोगों ने इस बात के ऊपर बात की तो अभी फिलहाल कोई पॉलिटिक का उसके ऊपर प्रेशर नहीं है। इस केस के अंदर पुलिस अपना काम बाकायदा अच्छे से कर रही है। जो भी पॉलिटिकल इसके अंदर इंटरेस्ट ले रहा था उसको ये सोचना चाहिए कि ये जो घटना हुई है ये गंदी घटना है। ये UP या दिल्ली नहीं है, ये महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र के अंदर हमारे यहाँ आज भी औरतें रात के 2-3 बजे बम्बई से लोग आती हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हर औरतें हर लड़कियाँ सेफ है, वो अपने घर आती और जाती हैं, नौकरी करने जाती हैं, कॉलेज जाती हैं। तो इसके वजह से मतलब इंशाल्लाह यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है, पुलिस प्रशासन से बढ़ के यहाँ पे कोई नहीं चल, किसी की नहीं चलती है। और जो भी इस मामले में, मैं तो कहता हूँ जो भी इंटरेस्ट ले रहा है उसको चाहिए कि ये ऐसे केस में कम से कम इंटरेस्ट ना ले, क्योंकि देखो बहू बेटी हर घर के अंदर है, उनके भी घर के अंदर है, मेरे भी घर के अंदर है, बेटी है, सबके यहाँ है, सबके यहाँ है। तो इसलिए अगर इस तरीके की कोई घटना हुई और उसको अगर सपोर्ट कर रहे हो तो मैं ये कहता हूँ कि वो एकदम गलत है, उनको ये समर्थन नहीं करना चाहिए। नहीं, तो जैसे कि लोग ये भी जानना चाहते हैं कौन सा नेता है कि जो उनका समर्थन कर रहा है, तो अभी जैसे कि आप भी लाइव में आके बोले थे हम आपके नगर सेवक मुंशी के जफरनुमानी में, लेकिन किसने नाम नहीं लिया उसका? नहीं, देखिए ऐसा है ना कि अभी कोई पॉलिटिकल उसका किसी का नाम मैं भी नहीं ले रहा हूँ और ना कोई नाम खुल के नहीं आया था कोई नाम, तो इसलिए हम लोग भी किसी पे इल्ज़ाम लगाना ये अच्छी चीज़ नहीं, इसलिए मैंने भी किसी का या जफर नुमानी ने भी किसी पॉलिटिकल उसका नाम नहीं लिया गया। कुछ जो सपोर्ट था शायद ऐसा सुनने में आ रहा था हवा से, तो वो भी इंशाल्लाह वो भी इसमें इंटरेस्ट नहीं लेंगे। कोई छोड़ाने गए थे उनको, उनका नाम क्यों नहीं आ रहा है? नहीं देखिए, तो उस वक्त की मैं अभी भी मैं हंस रहा अलग बात है, लेकिन वो जो हादसा हुआ उसके अंदर मुझे हकीकत नहीं मालूम कि उसके अंदर कौन गया था, पुलिस स्टेशन कोई गया था, ये मुझे नहीं मालूम। नहीं, जिस तरह से हादसा हो गया है और ये मेरे हिसाब से तो पहली घटना है मुमरा के अंदर, और ऐसा कुछ लोगों में देखा गया कि काफ़ी लोगों में मतलब एक डर सा माहौल। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मामला थोड़ा गंभीर है, ये और डरने की चीज़ है, क्योंकि कभी किसी और की बच्ची या बीवी के साथ ऐसा हादसा हो सकता, इसलिए जब कानून इतना टाइट होएगा, प्रशासन उनके ऊपर केस, उनको ले आके जब अंदर डालेगी पुलिस, 2 डंडे मारेगी ना, तो इंशाअल्लाह रोड के मनचले का ये सिस्टम खत्म हो जाएगा, क्योंकि आज भी महाराष्ट्र के अंदर इस पर नकेल कसनी चाहिए। बिल्कुल, ऐसे मामलात के अंदर नकेल कसने चाहिए, और ये महाराष्ट्र है, आपको मालूम है कि महाराष्ट्र के अंदर लॉ एंड ऑर्डर से बढ़ के कोई नहीं रहता है, इसलिए हम लोग खुश हैं कि मतलब प्रशासन अच्छे तरीके से काम कर रहा है और इस मसले को और ज़्यादा सख्ती से काम कर रहा है, और आइंदा इंशाल्लाह देखना कि आप लोग ऐसे केस तो इंशाल्लाह नहीं आएंगे मुमरा में दोबारा, कि कोई मनचला रोड चलती परिवार के साथ जाती हुई अपनी शौहर के साथ उसको छेड़े या उसका नंबर मांगे या जो भी कर रहा था, तो इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि आइंदा ऐसी हरकत कोई नहीं करेगा। प्रशासन एक्शन ले रहा है जी। प्रशासन पूरा टाइट है, काम पूरे तरीके से, पुलिस ने FIR वगैरह भी हो गई, ऐसा कोई बात नहीं। अगर कोई पॉलिटिशियन उसका वो रहता प्रेशर तो FIR नहीं होती, लेकिन अब सब कुछ हो चुका है, FIR हो गई है और उसमें से एक को अरेस्ट भी कर लिए, दूसरा भी अरेस्ट हो जाएगा मेरे ख्याल से 2 दिन तो मुझे
मैंने इसके ऊपर बात नहीं कहीं किया, लेकिन हो सकता है कि दूसरा भी अरेस्ट हो गया होगा। जैसे कि इस तरह के लोग अपराधी काम करते हैं तो ऐसे लोगों को बचाने के लिए नेता लोग नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल मैं तो ये कहता हूँ कि अगर मेरे घर का कोई लड़का ऐसा रहता तो मैं खुद इस मामले में पुलिस के साथ रहता और आवाम के, क्योंकि ये चीज़ अच्छी नहीं है। इसलिए मैं खुद एक पॉलिटिकल पर्सन हूँ, लेकिन मैं खुद ये कहना चाहता हूँ कि अगर मेरी परिवार का कोई लड़का इस तरीके की हरकत करे तो मैं पूरा साथ प्रशासन के साथ दूंगा, ताकि ऐसी हरकत वो आइंदा ना करे। बहू बेटी बीवी सभी के पास है, हर किसी के घर के अंदर, तो हमारी जवाबदारी होती है। जिस तरह हम अपने घर की बेटी बीवी की इज्जत करते हैं, उसी तरह से दूसरे की बीवी और बेटी की इज्जत करना चाहिए। जी जी, जैसे कि ये जो अभी जो घटना हुई तो क्या अभी किस तरह से इसको देखेंगे, मतलब कि एक मौलाना के साथ जो घटना हुई उनकी वाइफ के साथ, वो तो सीधे साधे इंसान थे। नहीं नहीं बिल्कुल बात आपकी सही है। मौलाना देखिए, एक वो भी एक इंसान है, मौलाना हो या कोई भी एक आम आदमी हो, किसी की भी परिवार होती, किसी की भी बीवी या बेटी ये अपने घर की वो होती, तो इसके लिए मौलाना थे इसलिए हम लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे। ये कॉमन मैन के भी साथ होता ऐसा हादसा, तो उसके लिए हम लोग खुद उनके साथ में रहते जिसके साथ में ये हादसा हुआ था, तो इसलिए। ताजा अपडेट के लिए देखते रहिए सदाकत न्यूज नेटवर्क, बहुत जल्द फिर हाजिर होंगे कुछ खास खबर के साथ। तब तक हमें इजाजत दीजिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए, COVID-19 के गाइडलाइन को महफूज रखिए और खुद को महफूज रखिए। सदाकत अखबार सिर्फ अखबार ही नहीं, आपका दोस्त भी है। इसे पढ़िए और दोस्तों को भी पढ़वाइए। ताजा अपडेट के लिए देखते रहिए सदाकत न्यूज नेटवर्क। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।